हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम चेस्ट 36 इंच की यहाँ पे फोर्टेक्स ब्लाउज की डायरेक्ट फैब्रिक पे कटिंग देखेंगे। तो सबसे पहले हम उसका मेजरमेंट देखेंगे। चेस्ट है 36 इंच, फुल लेंथ है, ब्लाउज की फुल लेंथ है 13.5 इंच, शोल्डर है 11 इंच, उसका हाफ करेंगे हम 5.5 इंच, आर्म होल है 5.5 इंच, कमर है 30 इंच, फ्रंट का नेक है 5.5 इंच और बैक का 9.5 इंच, स्लीव की लेंथ है 4.5 इंच और इसके बॉटम है 5.5 इंच। तो देखिए, मैंने यहाँ पे ये ब्लाउज पीस 80 सेंटीमीटर लिया है और इसे मैंने डबल फोल्ड किया है। ये किनार की साइड है, किनार की साइड से मैंने यहाँ पे ये डबल फोल्ड किया है। ये ओपन साइड है और ये बंद साइड है। तो सबसे पहले हम ब्लाउज की लेंथ लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, हम 1 इंच पे मार्किंग करेंगे फोल्ड के लिए। अगर आपको यहाँ पे टेढ़ा मेढ़ा पोर्शन होगा तो उसे कट कर लीजिए। तो ये सीधा है इसलिए मैं कट नहीं करूँगी। तो 1 इंच पे मैं यहाँ पे मार्किंग करूँगी, उसके बाद उसकी फुल लेंथ लेंगे। फुल लेंथ है 13.5 इंच, उसमें हाफ इंच प्लस करेंगे शोल्डर की सिलाई के लिए। तो 14 इंच पे मैं यहाँ पे मार्किंग करूँगी। यहाँ से हम लेंगे शोल्डर, शोल्डर है 5.5 इंच और नेक की चौड़ाई लेंगे हम 2.25 इंच, क्योंकि 9.5 इंच इसका डिप नेक है इसलिए हम 2.25 इंच रखेंगे। ज़्यादा रखेंगे 2.5-3 इंच तो शोल्डर हमारा गिरने लगेगा। 9.5 इंच पे हम यहाँ पे मार्किंग करेंगे और यहाँ से ब्रॉडनेस रखेंगे हम 0.5 इंच एक्स्ट्रा। 2.25 इंच है तो 0.5 इंच यहाँ पे एक्स्ट्रा लेंगे, 2.75 इंच। इसका हम बॉक्स बना देंगे। अब यहाँ से हम आर्मोल लेंगे, आर्मोल है 5.5 इंच, उसमें 0.5 इंच प्लस करेंगे 6 इंच, एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे यहाँ से। 0.5 इंच में हम शोल्डर डाउन लेंगे, ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो मैं वहाँ पे एक तिरछी लाइन दे दूंगी, ये देखिए यहाँ पे मैंने एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर दी है। यहाँ से हमें चेस्ट का 1/4 लेना है। चेस्ट है 36 इंच, उसका 1/4 है 9 इंच और 1.5 इंच में सिलाई मार्जिन लूंगी। यहाँ पे हम तीनों लाइन को मिला देंगे, ये तीनों पॉइंट्स को हम मिला देंगे यहाँ पे। आर्मोल के लिए 1.5 इंच लेंगे, बैक का आर्मोल है तो 1.5 इंच लेंगे और इसे यहाँ पे मिला देंगे। इस तरह से थोड़ा सा कर्व शेप देंगे। और यहाँ पे हम नेक ड्रॉ कर लेंगे, कोई भी नेक बना सकते हैं यहाँ पे। अब यहाँ से हम कमर लेंगे, कमर 30 इंच, उसका 1/4 है 7.5 इंच, 1 इंच दाट के लिए और 1.5 इंच हमारी सिलाई मार्जिन के लिए। इसे भी हम इस तरह से मिला देंगे। बैक दैट के लिए हम यहाँ पे 3.5 इंच पे मार्किंग करेंगे, ऊपर 4 इंच लेंगे। इस तरह से 4 इंच पे और 0.5 इंच पे हम इस तरह से तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमारा बैक डॉट हो गया और इस तरह से हमने बैक पार्ट की यहाँ पे ये देखिए इस तरह से हमारे बैक पार्ट तैयार हो गया। अभी इसे हम कट कर लेंगे इस तरह से यहाँ से। तो देखिए, मैंने इसे कट कर लिया। यहाँ पे हमने नेक कट नहीं किया, बाद में हम इसे कट कर लेंगे, जैसे डिज़ाइन चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम कट कर लेंगे। और देखिए, बैक डाट के यहाँ पे हम थोड़ा सा कट लगा देंगे और यहाँ पे फिटिंग लाइन में भी हम कट लगा देंगे इस तरह से। अब बैक पार्ट हमारा यहाँ पे कटिंग हो गया, अब फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इसके लिए मैं देखिए इसे इस तरह से रखूँगी। तो देखिए, यहाँ पे मैंने बैक पार्ट को इस तरह से रख दिया है और 0.5 इंच हमें एक्स्ट्रा यहाँ पे लेना है, क्योंकि हम बेल्ट वाला ब्लाउज बना रहे हैं तो इसलिए 0.5 इंच हम एक्स्ट्रा ही लेंगे। और इस साइड से हमें देखिए 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखना है, क्योंकि हम जब मेन टक्स लेते हैं फ्रंट पार्ट में तो वहाँ पर हमारी टक्स 1.5 इंच की रहती है या 1 इंच की। तो जो भी आपका 1 इंच का होगा या 1.5 इंच का, तो इस तरह से हमें यहाँ पर
डेढ़ इंच या एक इंच यहाँ पे जगह एक्स्ट्रा रखना है, तो मैं यहाँ पे डेढ़ इंच एक्स्ट्रा रखूँगी और यहाँ नीचे आधा इंच, इस तरह से हमें यहाँ पे बैकपार्ट को रखना है। और देखिए हमें यहाँ पे इसे इस तरह से ड्रॉ कर लेना, जैसे वैसे हमें ड्रॉ कर लेना है। और यहाँ भी हमें हुक और आई पट्टी के लिए सिलाई के लिए मार्जिन चाहिए, तो आधा इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे। तो देखिए हमारे बैक पार्ट है और इसके साइड से हम फ्रंट पार्ट में आधा इंच एक्स्ट्रा लेंगे। और यहाँ से हमने शोल्डर से आर्मोल की तरफ लाइन ड्रॉ कर दिए और यहाँ हमने डेढ़ इंच एक्स्ट्रा लिया है और आधा इंच यहाँ पे। अब इसे हम हटा देंगे। यहाँ पे सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे फ्रंट आर्मोल हम एक इंच पे लेंगे। और इसे हम आर्मोल यहाँ से देखिए थोड़ा सा अंदर की ओर लेते हुए इस तरह से गले का शेप देंगे। फ्रंट का नेक 5.5 इंच, उसमें आधा इंच प्लस करेंगे 6 इंच। इसको हम बॉक्स बना देंगे और यहाँ पे नेक का शेप देंगे। इस तरह से अब हमें यहाँ से मेन टक्स लेना है। तो इसके लिए हमें आधा इंच छोड़ के, जो हमने आधा इंच हुक और आई पट्टी के लिए लिया था आधा इंच छोड़ के यहाँ पे 4 इंच में मार्किंग करना है। ऊपर भी हम अभी हमें यहाँ पे बेल्ट निकालना है यानी कि क्रॉस पट्टी, तो 3.5 इंच में हम यहाँ पे मार्किंग करेंगे और यहाँ से हम 2.5 इंच लेंगे और इसे हम इस तरह से देंगे। यहाँ से हम मेन टक्स के लिए देखिए यहाँ पे हमें इस तरह से टेप को रखते हुए इसका सेंटर निकालना है शोल्डर की तरफ। शोल्डर से हम नीचे बस पॉइंट निकालेंगे 9.5 इंच पे और उस पर आधा इंच प्लस करेंगे 10 इंच। उसके नीचे से हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, सीधी लाइन ड्रॉ की है हमने। अब इसके साइड से हम 1.5 इंच लेंगे, ये हमारा मेन टक्स रहेगा। इसे हम इस तरह से तीछा लाइन ड्रॉ कर देंगे। इस तरह से जो हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया था यहाँ पे हमारा 1.5 इंच है। तो इस तरह से हम, आप चाहे तो 1 इंच भी ले सकते हैं। ये हमारा मेन टक्स हो गया है और अब बाकी के हम 3 टक्स निकालेंगे। इसके लिए देखिए हम यहाँ पे थोड़ा तिरछा ऊपर की ओर लेना है और वहाँ से हमें 1 इंच लिया हमने यहाँ से, इसे हम इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। और 1/4 इंच पे हमें भी यहाँ पे तिरछी लाइन ड्रॉ करना है इस तरह से 1/4 इंच पे। ठीक उसके सामने हमें इस तरह से देखिए 1.5 इंच पे एक पॉइंट लेना है, इसी के सामने लेना है हमें। और तीछा हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे कमर की तरफ, उसे भी हम 1/4 इंच पे इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देंगे। इस तरह से 1/4 इंच पे। अब इसके ऊपर देखिए हमें यहाँ से 1.5 इंच लेना है ऊपर। यहाँ से हमने 1-1 इंच लिया है और यहाँ से हमें 1.5 इंच ऊपर लेना है। ऐसे 1.5 इंच लेना है और इसे भी हमें आर्मोल की तरफ देखिए यहाँ से 5 इंच रखना है। ये आर्मोल की तरफ से हमने 5 इंच लिया है, वहाँ पे हमें 1 टक्स को मिला देना है। इस तरह से और उसे भी 1/4 इंच पे हम इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये देखिए इस तरह से ये हमारा 4 टक्स की यहाँ पे ड्राफ्टिंग हो गई है इस तरह से।
ये हमारे मेंटेक्स और बाकी के 18th, इसे हम कट कर लेंगे। यहाँ से हम क्रॉस पट्टी निकाल लेंगे। फॉलो कर देंगे यहाँ से दो पार्ट्स को। तो देखिए यहाँ से हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया, तो और 1/2 इंच, तो ये हमारे जो यहाँ पे सिलाई जाएगा तो 1/2 इंच जो है था यहाँ पे कवर हो जाएगा, और जो 1.5 इंच लिया है ये भी यहाँ पे इस तरह से एडजस्ट हो जाएगा। देखिए तो ये हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग हुई और बैक पार्ट की अब स्लीव की कटिंग करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये बचा हुआ फैब्रिक है, इसे हम डबल फोल्ड है, इसे 4 फोल्ड करेंगे इस तरह से। स्लीव की लेंथ है 4.5 इंच, हम उसमें 1.5 इंच प्लस करेंगे क्योंकि ये बगैर अस्तर वाला है, अगर अस्तर वाला होगा तो 1 इंच प्लस करेंगे। तो यहाँ पे हम 5.5 इंच लेंगे और यहाँ से हम चौड़ाई लेंगे, तो जितना हमारा चेस्ट का 1/4 है उतना हम लेंगे और उसमें 1/2 इंच प्लस करेंगे, 9.5 इंच। तो जितनी चौड़ाई हम उतना ही फोल्ड करेंगे ताकि कपड़ा वेस्ट ना हो। एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे यहाँ से। अब इस साइड से हमें कैफेट लेना है 2.5 इंच, उसके सामने हम 1 इंच पे एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे 2.5 इंच की। यहाँ पे देखिए कैफेट से 1 इंच यहाँ से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे, यहाँ से भी हम 1 इंच लेंगे, ये वन साइड है, वन साइड से 1 इंच। यहाँ से हम बैक आर्मोल का गोले का शेप देंगे इस तरह से। और 1/2 इंच का गैप रखते हुए फ्रंट आर्मोल का शेप देंगे इस तरह से। और यहाँ से हमें स्लीव का बॉटम लेना है 5.5 इंच, उसमें हम 1.5 इंच प्लस करेंगे और इसे हम मिला देंगे इस तरह से। अब इसे हम बाहर की ओर से पहले कट कर लेंगे। इसे हम सीधा करेंगे यहाँ से और फ्रंट आर्मोल की कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारी ये कटिंग हो गई है। तो देखिए फ्रेंड्स ये स्लीव की कटिंग हो गई है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमारी चेस्ट 36 इंच की यहाँ पे 4 टक्स ब्लाउज की हमने डायरेक्ट फैब्रिक पे कटिंग की है, बेल्ट वाला ब्लाउज ही हमारा, आप चाहे तो सीधा कट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी कटिंग अच्छी से हो गई है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।